सबसे पहला डाउट तो यही है कि मैम सी यू ई देना पड़ेगा क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस के लिए तो बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑल कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सी यू ई टी यू जी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में आपको पेयर होना ही पड़ेगा इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन और एडमिशन की अगर आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो उसका क्या प्रोसेस है सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स की या जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है इसके साथ साथ आपका सी के लिए अप्लाई करना सी में अपियर होना बहुत ज़रूरी है और सीट एलोकेशन एडमिशन आपको सारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम जिसे हम कहते हैं सी एस एस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ डेली जैसे ही आप सी यू ई टी का एग्ज़ाम लिख देते हैं सी यू ई टी का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद में डेली यूनिवर्सिटी अपना ख़ुद का एडमिशन प्रोसेस चलाते हैं जिसके अंदर वो सी एस एस ओपन करते हैं ये जो सिस्टम होता है इसी के तहत आपको डेली यूनिवर्सिटी में वेरियस कॉलेजेस में एडमिशन या फिर सीट्स मिलती हैं इसके रिलेटेड uh, जितनी भी डिटेल्स होंगी वो आपको बता दी जाएंगी रेगुलर बेसिस पे अच्छा अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं सबसे पहला एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ डेली विल बी बेस्ड ऑन स्कोर्स ऑपटेन इन सी यू देखो यार क्लास ट्वेल्थ के अंदर तुम्हारे अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है क्योंकि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरह काम करता है पर उसी के बेसिस पे तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा तुम्हें एडमिशन मिलेगा सी में जो तुम्हारा स्कोर आया है उसके बेसिस पे ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है दूसरा एन एलिजिबल कैंडिडेट डिजायर ऑफ सीकिंग एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ डेली फॉर द मस्ट रीड दिक ऑफ बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन यहां पर जो भी है वो अच्छे से पढ़ना चाहिए तुम्हें ओके okay. इसके बाद आता है द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास क्लास ट्वेल्व ठीक है या फिर कोई इक्विवेलेंट यू नो डिग्री आपके पास में या फिर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास क्लास ट्वेल्व एग्जामिनेशन ऑफ एनी बोर्ड और यूनिवर्सिटी इन इंडिया और एनी फॉरन कंट्री रेकग्नाइज बाई एज इक्विवेलेंट टू टेन प्लस टू सिस्टम बाई द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज टेन प्लस टू का क्राइटेरिया आप फॉरन नेशनल है आप यहाँ पर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी बोर्ड से हो सकता है कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी चल सकता है बट टेन प्लस टू जो हम रेकग्नाइज़ करते हैं उतना ही आप क्वालिफाइड होने चाहिए फॉर एडिशन फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ़ डेली इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपियरेंस सी यू हम देख देख चुके हैं ये चीज़ बट इसमें एक चीज़ जो नोटिस करने वाली हो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एक्चुअली एक बहुत बड़ा डाउट है जो बच्चे अभी फॉर्म भी भर रहे हैं उनके मन में भी उस डाउट को मैं क्लियर कर देती हूँ और साफ साफ लिखा है फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ डेली इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सी यू ई टी यू जी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इन दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी इज़ अपीयरिंग और हैज़ पासड इन क्लास ट्वेल्थ आप डेली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ऐसे कोई भी और सब्जेक्ट को सी यू ई टी के अंदर काउंट मत ही कीजिए जो आपके क्लास ट्वेल्थ में नहीं था क्योंकि यहाँ पे क्लियरली ये लिखा हुआ है कि एडमिशन प्रोसेस के लिए क्लास ट्वेल्थ में जो यू नो सब्जेक्ट्स के लिए आप अपियर हो रहे हो या हो चुके हो या पास हो चुके हो वही सब्जेक्ट्स जो है आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंसिडर किए जाएंगे एडमिशन के लिए तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स था बट मैं सोच रही हूँ कि सी में मैं बायो भी दे दूँ तो मैं बायो का एग्ज़ाम दे ज़रूर सकती हूँ बट डेली यूनिवर्सिटी उसे कंसिडर नहीं करेगा वो कंसिडर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को ही करेंगे जो मेरे पास क्लास ट्वेल्थ में भी था इनकेस दब्जेक्ट स्टडीड इन क्लास ट्वेल्थ इज नॉटन इन सी यू टी यू जी द कैंडिडेट मस्ट अपियर इन दैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दट इज सिमिलर और क्लोजली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट यू ऑर शी आर स्टडीड ओके तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर बाई चांस आपका जो सब्जेक्ट है वो लिस्टेड नहीं है तो उसके आसपास वाला जो सब्जेक्ट है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो ना फॉर स्टैब्लिशिंग सिमिलैरिटी ऑफ सी यू डी यू जी 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 सब्जेक्ट वि सब्जेक्ट टेकन इन क्लास ट्वेल्थ एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ द सिलेबस शुड मैच द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट फॉर स्टैब्लिशिंग द सिमिलैरिटी द डिसीजन ऑफ यूनिवर्सिटी इन दिस रिगार्ड शैल भी फाइनल एंड बाइंडिंग ऐसा कुछ भी है तो ध्यान रखना कि आपका पचास प्रतिशत सब्जेक्ट जो है सिलेबस uh, जो है वो मैच होना चाहिए बाकी कॉल जो है वो यूनिवर्सिटी का होगा और जो भी डिसीजन यूनिवर्सिटी लेगी वो हमें मानना होगा अच्छा एलोकेशन और एडमिशन जो होगा वो लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट या फिर जनरल टेस्ट जो है जिसमें कैंडिडेट अपियर हुआ है उसी के बेसिस पे होगा only the scores obtained in CUET UG 2024 will be considered for the admissions to the academic year 2024-2025. आप ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर आपको 2024-2025 के अंदर admission लेना है, तो आपको CUET 2024 में वापस exam देना पड़ेगा। पिछले साल जिन लोगों ने एग्जाम लिखे थे अगर वो ड्रॉपर्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि ठीक है इस साल नहीं कट ऑफ आएगी हो सकता है कि उस स्कोर पे उनको अभी कहीं और एडमिशन मिल जाए आपको फिर से अपियर होना पड़ेगा एग्जाम में वो वाला स्कोर वैलिड नहीं रहेगा द कैंडिडेट मस्ट रीड द प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स केयरफुली एंड देन अपीयर इन द लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स फॉर सी यू ठीक है द कैंडिडेट इज एडवाइज टू चेक दैट he or she satisfy all eligibility criteria for the programs for which he or she is appearing in CUET. Admission is subject to the candidate fulfilling the eligibility requirements prescribed for applying to the concerned programs of study. अब देखो यार आप जिस प्रोग्राम के अंदर मतलब आप जिस प्रोग्राम के अंदर यू uh, नो you know, जितने भी आपके कॉलेजेस होते हैं वो वेरियस प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं तो आप सर्टेन जो भी आपका कॉलेज है या फिर हम बात कर सकते हैं जैसे यहाँ पर ये यह यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफ़र होने वाले जो प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भाई इस प्रोग्राम में आप तभी एडमिशन ले सकते हो जब आपके पास में यू नो फॉलोइंग क्वालिफिकेशनस होंगी या फॉलोइंग चीज़ें आप चेक करोगे उसी बेसिस पे आप एडमिशन ले पाओगे उसी बेसिस पे आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना है आप यहाँ पर अगर जो स्पेसिफिक प्रोग्राम है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करते हो तो आपका एडमिशन उस प्रोग्राम में नहीं होगा ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी आप अपने रिस्क पे फिर एग्ज़ाम दे रहे होंगे क्योंकि ये चीज़ इन्होंने क्लियर कर दी है अच्छा इसके बाद में यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम किसी भी ग्रीवियंस को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करने वाले हैं ट्वेल्थ पॉइंट कहता है बिफोर रजिस्टरिंग फॉर सी यू ई टी यू जी द कैंडिडेट इज एडवाइज टू केयरफुली रीड दी बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से इसी वजह से मैंने भी ये वीडियो बनाया है आप इससे पहले कि सी यू टी यू जी का फॉर्म भरो एक बार डेली यूनिवर्सिटी का ये जो बुलेटिन है इसे अच्छे से देख लो तो इससे भी आपका काफ़ी काम बन सकता है कैंडिडेट्स मस्ट बी केयरफुल वाइल्ड फाइलिंग और फिलिंग द CUET UG टी यू जी फॉर्म एज सर्टन फील्ड सच एज नेम सिग्नेचर फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट विल बी लेटर ऑटो इंटीग्रेटेड बाई यूनिवर्सिटी ऑफ डेली ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से भरनी है बहुत सारे बच्चे नाम में गलती कर देते हैं कभी कभी पिक्चर भी जल्दबाजी में कुछ भी लगा देते हैं और फिर कहते हैं मैम यूनिवर्सिटी के अंदर अब यही पिक्चर जा रही है क्या करें तो ये चीज़ ध्यान रखना द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रेजर्वेशन मस्ट मैच द कैंडिडेट्स नेम एज इट इज अपीयोर एज इट अपियर्स ऑन देअर कॉरस्पॉन्डिंग स्कूल बोर्ड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट्स इन सी यू ई टी यू जी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सिमिलरली द पेरेंट्स नेम्स मस्ट ऑल्सो मैच ओके आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो तो आपका नाम जो है वो आपके स्कूल का जो टेंथ का मार्क्शीट है एंड आपके पेरेंट्स का नाम जो है वो भी मैच करना चाहिए सर्टिफिकेट से तभी जाकर आप उसे क्लेम कर पाओगे

हाँ अगर कहीं पर कोई स्पेसिफिक काउंसिल पिक्चर में आ जाएगी तो फिर हमें उन्हें देखना पड़ेगा अदरवाइज यहाँ पर कोई भी मिनिमम एज बार नहीं है एडमिशन के लिए गैप ईयर विल नॉट बी अ बार फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हाउ एवर सच कैंडिडेटेट मस्ट ऑल्सो अपीयर इन सी यू ई टी यू जी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फॉर एडमिशन इन अकेडमिक ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव अगर आपके इसमें गैप ईयर आ रहा है तो गैप ईयर से आपका एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होगा पर आपको सी यू ई टी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो फिर भी देना ही पड़ेगा अच्छा नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट प्रोरेशन जब भी रिक्वायर्ड होगा स्कोर्स को लेकर तो किया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये जो टर्म है ये मैं आपको और बाद में समझाऊंगी जब हम लोग यहाँ पे रिजल्ट तक पहुँचेंगे और हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या कैसे हम लोगों को फॉर्म फिल करना है और कैसे अप्लाई uh, करना है डेली यूनिवर्सिटी के लिए तो यहाँ पर ये कोटास को लेकर ये पूरा प्रोरेशन होता है आगे चल के अब देखो ये जो चीज़ है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सबसे पहले लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट अपियर इन एटलीस्ट वन लैंग्वेज अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कैंडिडेट को कम से कम एक लैंग्वेज में तो अपियर होना ही होना है कैंडिडेट मस्ट अपियर इन द लैंग्वेज ही और स्टडीड इन क्लास ट्वेल्थ और वो लैंग्वेज वो होनी चाहिए जो आप क्लास ट्वेल्थ में पढ़े हुए हो ठीक है तो आप उस लैंग्वेज में अपियर हो सकते हो जो लैंग्वेज आप क्लास ट्वेल्थ के अंदर पढ़े हुए हो कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी टू चूज द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन विच शी और शी शुड अपीयर कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोगों को चूज करने चाहिए मैम आप जिन प्रोग्राम्स के लिए अपीयर होना चाहते हो उन प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो वहां पर लिखा हुआ है कि भाई इन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कौन से सब्जेक्ट्स लगेंगे और वही सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने होंगे General test is considered for admission in numerous programs in the University of Delhi. Candidate must refer to program specific eligibilities for detail. बहुत सारे programs में general test required होता है. अगर आप भी उन programs में admission लेना चाहते हैं, तो आपको भी general test जो है, वो देना पड़ेगा. अब बात कर लेते हैं undergraduate programs की. आपके पास में यहाँ पर undergraduate programs में languages के लिए B. E. Honors मौजूद है. तो various languages के लिए आप यहाँ पर apply कर सकते हैं. इसके बाद में आता है आपके जितने भी ह्यूमैनिटीज़ uh, और सोशल साइंसिस से रिलेटेड आपके आर्ट्स uh, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस से रिलेटेड आपके प्रोग्राम्स यहाँ पर मौजूद हैं ठीक है ठीके? इसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाएगा मैथमेटिक्स टेक्नोलॉजी और साइंस के प्रोग्राम्स भी यहाँ पर मौजूद हैं बी एस ऑनर्स बी भी आप यहाँ से कर सकते हैं इसके बाद में आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका बी का प्रोग्राम भी आपके पास में पास कोर्स और प्रोग्राम दोनों अवेलेबल है आपको कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए बी कॉम बी कॉम ऑनर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इनफैक्ट बी एनर्स भी देखने को मिल जाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स में बी एम एस भी देखने को मिल जाएगा वोकेशनल स्टडीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी एंड अगर आप म्यूज़िक में इच्छा रखते हैं तो म्यूज़िक के लिए भी प्रोग्राम अवेलेबल है एजुकेशन के अंदर बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन भी आपके लिए अवेलेबल है ठीक है अगर आप फ़ाइन आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो बैचलर्स ऑफ फ़ाइन आर्ट्स भी अवेलेबल है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स की बात कर लेते हैं कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्या है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास ट्वेल्थ ये आपकी कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी है फॉर द पर्पज़ ऑफ असर्टेनिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी द मार्कशीट और डिग्री ऑफ ओनली वन बोर्ड विल भी कंसिडर्ड ठीक है आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अगर बाई चांस आप सी बी एस ई में अपियर हुए एंड देन उसके बाद में आप फिर से किसी बोर्ड में अपीयर हुए हो सकता है कोई कंपार्टमेंट आ गया या आप सी बी एस ई में पास नहीं कर पाए क्लास ट्वेल्थ और फिर आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में गए तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक ही बोर्ड के जो मार्क्स हैं वो कंसिडर किए जाएंगे ऐसे में द मिनिमम एलिजिबिलिटी शैल बी असरटेन फ्रॉम हिज और हर मार्क्सिट इशूड बाई सी बी एस ई ओनली ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसके बाद आता है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी में भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि आपके जो सब्जेक्ट जिनके लिए आप सी में अपीयर हो रहे हो वो क्लास ट्वेल्थ में आपके पास होने चाहिए इसके बाद आपको बाकी सारे प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएंगे जो डेली यूनिवर्सिटी ऑफ़र करते हैं और इसके साथ में प्रोग्राम स्पेसिफ़िक एलिजिबिलिटी भी मिल जाएगी जिसे आप चेक कर सकते हो आपको यहाँ पर ये भी मिल जाएगा कि ये जो प्रोग्राम है ये कौन सा कॉलेज ऑफ़र करता है और इसके साथ साथ में आपको यहाँ पर यह भी मिल जाएगा कि कौन कौन सी या कितनी सीट जो है यहाँ पर अवेलेबल होंगी ठीक है तो ये आपके पास में प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी और कॉलेजेस का नाम यहाँ पर आ चुका है जैसे अगर हम इस कॉलेज की बात करें इस प्रोग्राम की बात करें ये देखो बी ए ऑनर्स इंग्लिश अगर आप बी ए ऑनर्स करना चाहते हैं इंग्लिश के अंदर तो आपकी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या हो जाएगी कि कैंडिडेट्स मस्ट अपियर इन सी यूट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंग्लिश लेना है लिस्ट ए से कोई भी दो सब्जेक्ट्स ले लेने हैं लिस्ट बी वन से और कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेना है या तो लिस्ट बी वन से या लिस्ट बी टू से तो ये आपके डोमेन सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं मेरिट विल बी बेस्ड ऑन सी यू टी स्कोर्स ओब्टेन फ्रॉम दी अब मेंशन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में क्लास ट्वेल्थ में कितने भी नंबर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका जो लैंग्वेज आपने इंग्लिश यहाँ पे चूज़ किया है उसमें हाइस्ट मार्क्स होने चाहिए उसमें अच्छे नंबर होने चाहिए उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा और आपके पास में यहाँ पर एक बहुत अच्छा लिस्ट है कॉलेज का जो आपको यू नो ऑनर्स इन इंग्लिश प्रोवाइड करते हैं देखो कितना कितना बड़ा लिस्ट है ये सारे बड़े कॉलेजेस में आपको ये देखने को मिल जाएगा 48 कॉलेजेस के अंदर आपके लिए सीट जो है वो है अगर आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं इसी तरीके से बच्चों आपको बहुत सारे यहाँ पर प्रोग्राम स्पेसिफ़िक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के प्रोग्राम्स दे दिए गए हैं आप इनको चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ से आपको सीट्स भी पता चल जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि आपको डेली यूनिवर्सिटी में आपका मन प्रोग्राम करने के लिए कौन सी यू नो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो आपका जो सी का फॉर्म है उस फॉर्म को फिल करने से पहले आप फटाफट से इसको चेक कर लीजिए ये डेली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी प्र, प्रेजेंट इसके बाद में आपको यहाँ पर रेजर्वेशन पॉलिसी भी देखने को मिल जाएगी तो आपको यहाँ पर सारी की सारी चीजें जो रिक्वायर्ड है उसके साथ साथ कितना रिजर्वेशन है वो भी देखने को मिल जाएगा तो ये आप चेक कर सकते हैं इसके बाद में आपको कॉलेज वाइज सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो है वो देखने को मिल जाएंगे प्रोग्राम के और ऑफकोर्स यहाँ पर जितनी भी सीट्स आपके लिए अवेलेबल है वो भी देखने को मिल जाएंगी ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो भी बातें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने डिस्कस कर ली इस वीडियो से ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको डेली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी जहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म को फिल करने से पहले एक बार इसे ज़रूर रीड करना इसी तरीके के और अपडेट्स और सी के फॉर्म जो फिलिंग प्रोसेस है उसमें गाइडेंस के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर सीयू को फोड़ना चाहते हो हंड्रेड परसेंट लाना चाहते हो इंग्लिश के अंदर तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्दी इंग्लिश के क्लासेस चैनल पर शुरू करने वाले हैं एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एल सी यू बाय टेक केयर